जिंदगी प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है, लेकिन प्रकृति की गोद में भी छुपा है एक खौफनाक सच। क्या आपको मालूम है, हमारे छोटे छोटे कदम जो हम हर रोज उठाते, हमारी जिंदगी को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है, हमारी जिंदगी से, हमारी सांसों से जुड़ी है कुछ ऐसी खौफनाक चीजें जो ना हम देखना चाहते हैं और ना ही समझना चाहते हैं? यह है एक सच्चाई की कहानी। इस कहानी से हम सब जुड़े हैं। हर सांस में छुपा है एक खतरा, हर सांस में छुपी है एक गूंज। नर्स, मेरी बच्ची की तबीयत कैसी है? अभी कंडीशन ठीक नहीं है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, वो आपको डॉक्टर बताएंगे। आज भाई चिंकी कैसी है? अभी चिंकी की तबीयत ठीक नहीं है भाई। मैं आपके लिए खाना लाया था, थोड़ा खाना खा लीजिए। बैठो भाई बैठो, अभी मेरा मन कुछ खाने का नहीं कर रहा है। देर से काम कर रहे हो, चाय पी लो। हाँ हाँ पी रहा हूँ, आप रख दो। ऑफिस का काम घर पे मत लाया करो, थोड़ा टाइम हमें भी दे दिया करो। जी कुछ बोलो, चपेट लगाओगे? दादी इसने मेरी बुक फाड़ दी। दादी मैंने फाड़ी, भैया ने फाड़ी है। चपेट मारोगे तुम दोनों को, यहाँ से भाग जाओ। मम्मा अभी तो मैं पास्ता नहीं आया। यार तुम लोग बाहर का खाना ज्यादा मत खाया करो। पापा आप तो हमेशा ही ऐसे बोलते हो। पापा आप क्या कर रहे हो? ऑफिस का काम होता। हाय। क्या यार, ना तुम आती हो ना किसी पार्टी में बुलाती हो, कहाँ गायब रहती हो? कहीं नहीं यार, यही हूँ। प्रॉब्लम्स ने घेरा हुआ है मुझे। प्रॉब्लम्स? क्या हुआ, सब ठीक है? क्या बताऊँ यार, घर में आए दिन कोई ना कोई बीमारी रहता है। अरे आउटिंग पर हम जाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, बीमार तुम लोग हो जाते हो। तुम बहुत लकी हो। टच वुड, वो तो है। दामिनी एक मिनट रुको, चिंकी ने स्कूल से फोन आ रहा है। हेलो, आप चिंकी की मम्मा बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रही हूँ। चिंकी लंच ब्रेक में खेलते खेलते बेहोश हो गई थी। क्या, कब, कैसे? मैम अब तो ठीक है, आप उसको घर ले लीजिए, वो आपको बार बार पूछ रही है। मैम मैं अभी पहुँचती हूँ। क्या हुआ चिंकी, जल्दी सो गई? आज तुम्हारा पास्ता नहीं आ रहा है क्या? आप कहाँ पर थे? मैं सुबह से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन स्विच ऑफ था। आपको पता है चिंकी स्कूल में बेहोश हो गई। मतलब क्या हुआ था? स्कूल से फोन आया था कि चिंकी बेहोश हो गई, फिर मैं उसको घर लेके आ गई। अच्छा आप टेंशन मत लो और जाके सो जाओ, कल हम इसको इसकी फेवरेट जगह पे लेकर चलेंगे, इसको बहुत अच्छा लगा। Thank you.
चिंकी आराम से बेटा, गिर मत जाना। वाओ बापन कितना सुंदर है, वाओ। चीकू चिंकी आ जाओ, पहले खाना खा लो। नहीं मम्मा, मुझे अभी भैया के साथ खेलना है। पापा बोल रहे थे तू लाके। हाँ हाँ बेटा लाया हूँ। अजय, आप मेरा फेवरेट सैंडविच लाना भूल गए। आपकी कही हुई बात अगर हम ना माने, ऐसा तो दिन नहीं। ये लीजिए हुजूर। क्या हुआ चिंकी? कहाँ दर्द हो रहा आपको? कोई बात नहीं, अभी आप खेल के आए थे ना, आप भाग रहे थे ना, इस वजह से हो रहा होगा। ठीक है, सच्ची में दर्द हो रहा है। आप में से चिंकी के पापा कौन हैं? जी तो मेरे साथ आइए। डॉक्टर साहब, सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं, आपने सारे टेस्ट भी कर लिए हैं, आप आखिर हमें बताते क्यों नहीं हमारी बच्ची को हुआ क्या है? हाँ डॉक्टर साहब, मेरी चिंकी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, हमारे लिए बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपकी बच्ची के लंग्स में माइक्रोप्लास्टिक की बहुत मात्रा मिली है जिसने कैंसर का रूप धारण कर लिया है। क्या? नहीं, कैंसर। देखिए आप दोनों अपने आप को संभालिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको खतरे से बाहर निकालने के लिए। तब तक हमें उसको आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा क्योंकि लंग टिश्यूज में ट्यूमर बहुत बढ़ चुका है। डॉक्टर, ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप हाथ देख लीजिए। बचपन से ही प्लास्टिक की दुनिया में खोई हुई चिंकी और उसके परिवार वालों को कौन बताता कि एक दिन ये खुशियां उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। बर्गर की पॉलिथीन से लेकर प्लास्टिक की बोतल तक, हवा में घुलते माइक्रोप्लास्टिक के जर्रे हर सांस में उसके साथ अंदर घुसते गए, खेलते खेलते खाते पीते। हमने अपनी जिंदगी को खुद ही जहर दे दिया, पर अभी भी वक्त है। हम बदल सकते अपने तौर तरीकों को, बदल सकते अपने जीवन को। हमें लड़ना होगा अपनी हवा, अपने वजूद, अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि चिंकी की गूंज हमारी गूंज भी बन सकती है। तो चलिए जाने ऐसे चार तरीके जो माइक्रोप्लास्टिक के प्रभाव से हमारे जीवन को बचा सकते हैं। फर्स्ट, रिसाइकल। सबसे पहला और सबसे ज्यादा जरूरी है प्लास्टिक को अच्छे से एक सेग्रीगेट करना और करेक्टली डिस्पोज करना ताकि वो रिसाइकलिंग के लिए जा सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर स्क्रैप कलेक्टर यानी कि कबाड़ी वाले को भी दे सकते हैं। सेकेंड, रीयूज। थर्ड, रिफ्यूज। फोर्थ, रिड्यूस। मैं तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? क्या मुझे मिलेगा आपका साथ? धन्यवाद। Microplastics are smaller plastic particles less than 5 millimeters in size. They are a threat to our ecosystem and human health. We have to advocate the policies where there should be ban on single-use plastic. By this, we can make a change in the society and we can reduce microplastic from our daily life.